अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 17 जुलाई की देखते हैं स्पीड न्यूज़। कुरान पाक को जलाने के इकदाम के जवाब में एक स्वेडिश शहरी को मिली बाइबल और तौरात को जलाने की इजाज़त, मगर मुस्लिम शख्स ने दुनिया को दिया पैगाम, कहा हम मुसलमान मुकद्दस किताबों की करते हैं कद्र, हम नहीं जलाते। इसराइल में 54% नौजवान हिजरत करने पर करने लगे गौर, हुकूमत के बगावत मंसूबे के बाद एक नए सर्वे में नौजवानों का जाना गया नजरिया। ईरान में महसा अमीनी की हलाकत के बाद से ही शुरू मुजाहरे, ईरान में बेहिजाबी के दौर का आगाज, ईरानी अखलाकी पुलिस की भी कार्रवाइयां फिर हुई शुरू। अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बमों की फ्राहमी कर दी शुरू, रूसी सदर पुतिन का इंतबाह, कहा हमारे पास भी क्लस्टर बमों का काफ़ी ज़खीरा मौजूद, देंगे मुँह तोड़ जवाब। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को क्लस्टर वेपन्स की फ्राहमी, बिलियनर इलॉन मस्क ने अमेरिका पर लगाया मुनाफ़िकत का इल्ज़ाम, दावा किया मायूसी में क्लस्टर बम भेज कर हम खुद को कर रहे कमज़ोर। पाकिस्तान में कौमी असम्बली के इंतखाबात नवंबर में होने का इम्कान, पीएम शहबाज शरीफ ने दिया इशारा, कहा अगले माह निगरान को सौंप देंगे बागदौड़। एक तरफ दुनिया के कई ममालिक में बारिश तो कहीं शदीद धूप का कहर, जापान में टेम्परेचर में बेहद इजाफा, हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी। साउथ कोरिया में भी मौसलाधार बारिश, लैंडस्लाइडिंग के दर्जनों वाकया, सैलाब की वजह 40 से ज्यादा अफराद हलाक, कई मकानात मनादा। ब्राज़ील में शदीद बारिश, ब्राज़ील एयरपोर्ट पर खौफनाक हादसे की खबर, भारी बारिश में रनवे से फिसल गया तैयारा, मुसाफिरों में मच गई चीख व पुकार। दारुल हुकूमत दिल्ली में बारिश व सैलाब की तबाहकारियां, मुतासरा इलाकों का केजरीवाल ने किया दौरा, सैलाब मुतासरीन को 10,000 रुपये की इमदाद का किया ऐलान। भारत का तारीख़ चंद्रयान 3 का दूसरा ऑर्बिट रेजिंग का सफ़र मुकम्मल, मज़ीद 4 बार होगा इस किस्म का अमल, जिसके बाद चांद के मदार में पहुंच जाएगा सैटेलाइट। यूसीसी से मुतालिक तजावीज़ देने की तारीख में तौसी, मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने कहा ये एक खुश आइंद कदम, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय दर्ज करवाने की अपील की। आज 17 जुलाई को बेंगलोर में अपोजिशन पार्टियों का बड़ा इजलास, बीजेपी में हलचल, कल 18 जुलाई को बीजेपी ने भी बुलाई एनडीए की महामीटिंग। बेंगलोर में अपोजिशन पार्टियों का इजलास, कल मंगल को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी मीटिंग में होंगे शामिल, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी इत्तला। बागी भतीजे अजीत पवार से मुलाकात के बाद भी शरद पवार के किरदार में नहीं आई कोई तब्दीली, बगावत करने वाले एमएलएस को छोड़ मेंबरान असेंबली को अपोजिशन में बैठने की दी हिदायत। पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंची खातून सीमा हैदर को यूपी एटीएस ने फिर किया गिरफ्तार, शुरू की जांच, सीमा के पाकिस्तान से रबते में होने का शुबा। मुल्क भर में टमाटर की कीमतों में इजाफा, महाराष्ट्र में टमाटर का किसान सिर्फ एक माह में ही बन गया करोड़पति, 3 माह की मेहनत ने किसान की ज़िंदगी कर दी तब्दील। यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिमायत में आई तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, यूसीसी को बताया बहुत अहम, कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड खवातीन को बनाएगा बाख्तियार। तेलंगाना असेंबली मानसून सेशन के लिए तैयारी, अगस्त में मानसून सेशन होने का इम्कान, नए बिल्स लाने के बजाय तरमीमी बिल पेश करने का हुकूमत का मंसूबा। ओल्ड सिटी हैदराबाद में मेट्रो का काम जल्द होगा शुरू, दारुशिफा ता फलकनुमा 5 स्टेशन, जायदादों के हुसूल के लिए नोटिसों की इजराई, मजहबी मकामात के तहफ्फुज़ के लिए इकदाम। मिनिस्टर केटिया ने रेवंत रेड्डी पर लगाया संगीन इल्ज़ाम, रेवंत रेड्डी को करार दिया आरएसएस का सरगर्म कारकुन, कहा गांधी भवन में गोडसे की तरह है रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों तक हो सकती है मौसलाधार बारिश, महकमे मौसमियात ने जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट, हैदराबाद में भी धुआंधार बारिश का इम्कान। हैदराबाद के शामीरपेट आउटर रिंग रोड पर पेश आया भयानक सड़क हादसा, कीसरा से मंचिरियाल जा रही 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई, 3 अफराद हलाक।
तेलंगाना के शादनगर में एक प्राइवेट पेंट फैक्ट्री में जोरदार धमाका, एक दर्जन मजदूर जख्मी। रिएक्टर का ज्यादा गर्म होने की वजह धमाका होने का इम्कान। हैदराबाद में सोने की कीमतों में इजाफा, 24 कैरेट सोना 61,100 रुपए जबकि प्योर चांदी 772 रुपए फी 10 ग्राम दर्ज। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।